So, hello guys, I am Abhay and welcome back to the another video of Abhay Creations. So, guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे आप किसी से भी व्हाट्सएप पे सीक्रेटली बात कर सकते हैं। जी हां, अगर सीक्रेटली आप किसी से भी बात कर सकते हैं और वो किसी और को पता भी नहीं चलेगा। आप जैसे ही उस मैसेज को सेंड करेंगे वो एक कोड वर्ड में जाएगा जिसे कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, और जब दूसरे के पास वही सेम एप्लीकेशन रहेगा तभी वो उस मैसेज को पढ़ पाएगा। तो बस देखिए पूरे इस वीडियो को एंड तक, और आज के इस वीडियो में आपको वही सेम एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे अपने मैसेजेस को सीक्रेटली सेंड करते हैं किसी को भी व्हाट्सएप में। तो बस ये कीबोर्ड एप्लीकेशन है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकती है, आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो बस इस वीडियो को देखिए पूरे एंड तक, और बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको मेरे डाउनलोड लिंक से मेरे एप्लीकेशन को जो एप्लीकेशन तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस सिंपली ये रहा मेरा एप्लीकेशन जो मैंने इंस्टॉल किया था। तो गाइस जैसे मैं इस पर टैप करता हूं आप देख सकते हैं ये हमें सेटिंग्स में बोलेगा अननोन सोर्सेस को ऑन करने। तो गाइस आप चिंता मत कीजिए, सेटिंग्स में इसे इनेबल कर दीजिएगा। तो गाइस आपको यहां पर देख रहा है अननोन सोर्सेस का, ये सभी मोबाइल में रहते हैं। तो गाइस इसे ओके कर दीजिए और गाइस फिर इस पर टैप कीजिए और यहां पे इंस्टॉल का आपका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो इसे हम लोग होने देते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद कुछ सेटअप्स हम लोग को करना पड़ेगा, तीन इसे इनेबल अलाउ करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना मैं वो भी बता देता हूँ। तो लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का आपको नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को। सो गाइस ये हो गया डन, अब इसे करता हूँ बैक। और गाइस फिर यहाँ पे ये रहा स्टिल टैप का एप्लीकेशन, ये गाइस यूजली एक कीबोर्ड एप्लीकेशन है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पर टैप करते हैं, फिर से कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको इनेबल इन सेटिंग में बोलेगा, तो ऐसे इनेबल में जाना है और गाइस यहाँ पे कोई से इनेबल कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद सेकेंड मेथड पे आपको यहाँ पे इसको कीबोर्ड सेट करने बोलेगा, तो यहाँ पे आपको स्टिल टैप का एप्लीकेशन मिलेगा उस पर सेव करने देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको फिनिश पे टैप कर देना है। तो गाइस ये हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट। तो गाइस ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग गाइस व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं और किसी को भी गाइस एक मैसेज हम लोग सेंड कर दें, तो गाइस जैसे मैं ये कीबोर्ड एप्लीकेशन आप देख सकते हैं गाइस, तो वैसे मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ गाइस, और यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साइड में ही लेफ्ट में, इस पर हम लोग टैप कर देते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये एक अलग ही लैंग्वेज में हमारा जो मैसेज को कन्वर्ट कर दिया है, जिसे पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, कोई इसे पढ़ नहीं पाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों लिखा है टू अनलॉक दिस मैसेज गेट टैप, तो आप ये चाहते हैं तो रहने दीजिए, वरना आप सिंपली इसको यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए और आपका एक यूजुअल मैसेज जैसे होता है वैसे हो जाएगा, वैसे सेंड कर दीजिए। तो गाइस जैसे मैंने इसको सेंड किया तो आप गाइस देख सकते हैं ये कुछ अलग ही लैंग्वेज में गए है गाइस मैसेज, ये ना ही हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज में ही हमारा नहीं गया। अब बात आती है गाइस हम लोग इस मैसेज को पढ़ेंगे कैसे। तो गाइस दूसरे बंदे के पास जिसने हम लोगों ने इस मैसेज को भेजा उसके पास भी सेम एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। यानी ये नहीं कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे भेज दिए और उसके पास भी तो यही मैसेज जाएगा, उसको इसे अनलॉक करने के लिए उसके पास भी सेम एप्लीकेशन होना चाहिए। तो गाइस इसको हम लोग कर देते हैं टैप मैसेज पे, और गाइस थ्री डॉट्स पे जाके हम लोग इसे कर लेंगे कॉपी सेटिंग, सॉरी गाइस कॉपी मैसेज को। कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस डायरेक्टली ये मैसेज हम जो लिखे थे वो आ चुका है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो मैंने हाई लिखा था गाइस ये हाई आ चुका है। एक और एग्जांपल देकर बताता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, फिर से ये लॉक के साइन पर टैप कर देता हूँ और गाइस फिर से ये मैसेज कन्वर्ट हो चुका है, इसे सेंड कर देता हूँ और गाइस फिर से इस मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ मैं गाइस टैप करके थ्री डॉट्स पे जाकर इसे कर लेता हूँ कॉपी। और गाइस ये देख सकते हैं फिर से हमारा जो मैसेज वो हेलो में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइस ये है एक कमाल का एप्लीकेशन है गाइस, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, चिंता मत कीजिए गाइस, ये कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन नहीं है और ना ही आपको फोन को कोई हैक करेगा। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और इससे आप किसी से भी सीक्रेटली में बात कर सकते हैं व्हाट्सएप में। सो गाइस ये इस एप्लीकेशन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस, और आप किसी से भी जिसको भी पास आप ये मैसेज को भेजेंगे उसको भी बोल दीजिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आप गाइज बात कीजिए ऐसे ही कुछ सीक्रेटली अपने फ्रेंड्स से। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप किसी से भी ऐसे ही इस एप्लीकेशन को यूज करके किसी से भी व्हाट्सएप पर सीक्रेटली बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। और गाइज एक और बात, मेरे चैनल पे चल रहा है एक गिव अवे पेन ड्राइव का, तो अगर आपने उसे पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाकर पार्टिसिपेट कर लीजिए। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक
मतलब वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से जाके देख लीजिएगा उस वीडियो, वहां पार्टिसिपेट कर लीजिएगा इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में, क्योंकि इस गिव अवे का रिजल्ट मैं निकालने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी में कल सुबह नौ बजे गिव अवे का रिजल्ट निकल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो जिसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाओ जाकर पार्टिसिपेट कर लो। और वैसे एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेट किए मेरे उस गिव अवे कॉन्टेस्ट में, वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि वो लोग मेरे चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक एंड कमेंट तो कर दे रहे, थर्ड स्टेप जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है वो फॉलो नहीं कर रहे, उस इंस्टाग्राम को वो लोग फॉलो ही नहीं कर रहे और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। अगर आप ऐसा करेंगे आगे के दो स्टेप को कट कर देंगे, नीचे के थर्ड स्टेप को सिर्फ फॉलो करेंगे, तो मैं ऐसा आपको कोई भी पेन ड्राइव गिफ्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा आपको तीनों स्टेप करने होते थे तभी आप पार्टिसिपेट कर पाते इस गिव अवे में। तो गाइस तीनों स्टेप को कम्प्लीट कीजिएगा तभी आप पार्टिसिपेट कर पाइएगा। अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाकर पार्टिसिपेट कर लीजिए, इसका रिजल्ट निकलेगा कल मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे 9 बजे सुबह। तो बस ऐसे आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप इसे यूज करेंगे। तो डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।